के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। 2 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, घरों में ज्यादातर लोगों ने खुद को वैक्सीनेट किया है, कई लोगों की डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर जिस खबर का इंतजार आप सब कर रहे थे, बच्चों को कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। टीके के लिए डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है और पहली और दूसरी खुराक में 20 दिन का अंतर होगा, यह बड़ी खबर आपको बता रही। तो कोवैक्सीन ने बच्चों के जो 3 बैचेस हैं उन पे अपना ट्रायल किया और 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों पर पहले ट्रायल किया गया, इसके बाद 6 से 12 साल के बच्चों पर भी ट्रायल किया गया और 12 से 18 साल यानी कि बच्चों को 3 एज ग्रुप्स में बांटकर उन पर ट्रायल किया गया है और बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ पीडियाट्रिशियन और फेलिक्स हॉस्पिटल के MD डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हम सब खुद तो वैक्सीन लगा चुके हैं, डबल डोज लगवा चुके हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या क्या चाह रहे थे कि वो वैक्सीन आए, ये बड़ी खबर। बच्चों को वैक्सीन अब कब से लग सकेंगे? देखिए सुचित्रा जी, हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इंडिया के अलावा किसी भी देश ने अभी तक 12 साल से कम बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लॉन्च नहीं करी है। तो देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी खबर है और हम सबको पता है कि जो डोज का कोवैक्सीन का ट्रायल था 525 बच्चों पे और 28 दिन के अंतराल पे 2 डोज दी गई थी, उसका ट्रायल हुआ था एम्स में हुआ था, इसके अलावा और कई सारे हॉस्पिटल्स में हुआ था। उस ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने आज 1 बजे के आसपास अपनी रिकमेंडेशन देके DCGI को भेज दिया है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेज दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हम सबको पता है जो हम वेव 3 की बात कर रहे थे उसमें एक ही जो हमारे जो फैमिली का परिवार का सदस्य छूटा हुआ था वो हमारे बच्चे थे। बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं थे, बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लगी थी, बच्चे हाई रिस्क थे, बच्चे वल्नरेबल थे। क्योंकि वैक्सीन आने से ये फायदा हो गया कि अब बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं और जो हर्ड इम्यूनिटी की हम लोग बार बार बात करते थे कहीं ना कहीं हम जल्दी अचीव कर सकते हैं और जो बहुत सारी हेजिटेंसी रहती थी माता पिता के बीच में हम लोगों के बीच में वो खत्म हो जानी चाहिए कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। लगभग 95 करोड़ लोगों को हम लोग लगा चुके हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं था। बच्चों में भी जो वैक्सीन डेवलप करी गई है, मैं बताना चाहूंगा ये 60 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिस पर हमने वैक्सीन डेवलप करी गई है। किल्ड वैक्सीन है, वायरस को किल करके बनाया गया, बिल्कुल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसका मतलब ये है कि जब हम वैक्सीन बच्चों को लगाएंगे तो बच्चों में फॉरन बॉडी एंटीजन की तरह एक्ट करेगी और बच्चों के अंदर एंटीजेनिक या इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएगी जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज बनेगी और बच्चे भी हम सब युवा और वृद्ध लोगों की तरह कोविड से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। देखिए बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि जब छोटे बच्चों के हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे तो साथ ही बहुत से लोगों के मन में ये भी डर कि बच्चों को वैक्सीन लगेगी उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चों पर क्या असर हो सकता है। जैसा कि हमने बड़ों पर देखा है उसी तरह से हम माने के बच्चों पर भी मामूली साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं, ट्रायल्स में क्या कुछ बातें सामने आई हैं डॉक्टर? देखिए कोई भी वैक्सीन जो है बच्चों में जब हम लगाते हैं बच्चे वैक्सीन बिल्कुल सेफ होती है और इफेक्टिव होती है। तो पहले तो मैं इफिकेसी की बात करूंगा, जो वैक्सीन आ रही है बच्चों के लिए उसकी भी इफिकेसी लगभग 60% से ज्यादा है और WHO के हिसाब से, FDA के हिसाब से, यूरोपियन एजेंसीज के हिसाब से अगर कोई भी वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव है तो वैक्सीन को हम अच्छा मानते हैं, उसको हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बना देते हैं। नंबर 2, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है वो होता है कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं है। ऑलरेडी मैं बच्चों का ही डॉक्टर हूँ, हम लोग देश में हर साल 4.5 करोड़ वैक्सीन लगाते हैं माताओं और बच्चों को, दुनिया का सबसे बड़ा हम लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाते हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन हाउस है इंडिया में, हम सबसे ज्यादा वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं, लगभग 128-130 देशों को हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं भी कोई शंका कोई डाउट नहीं है। हाँ ये जरूर है, सब माता पिता जानते हैं कि कोई भी हम जब वैक्सीन लगाते हैं नॉर्मली हमें वैक्सीन जो लगाएंगे वो थाई पे लगाएंगे, एंटीरियर लेटरल इस एरिया पे लगाएंगे। बच्चों में हम 5 साल से कम बच्चों में थाई वैक्सीन लगाते हैं, जो 5 साल से ऊपर बच्चे होंगे या 12 साल से ऊपर बच्चे होंगे उनको हम इसमें डेल्टॉइड पे हाथ पे वैक्सीन लगा सकते हैं। तो जहां जो लोकल एरिया होता है उस जगह रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, वो हो सकता है वो नॉर्मली 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। कुछ बच्चों को फ्लू लाइक इलनेस हो सकती है जिसमें फीवर आना, हल्का कोल्ड कफ होना, हल्का बॉडी एक होना, बट वो 2 से 3 दिन में डिसअपीयर हो जाती है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें पैरासिटामोल देना है और अपने बच्चे के डॉक्टर से संपर्क में रहना है। इसके अतिरिक्त वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, मैं फिर बता रहा हूँ, वैक्सीन में कोई डाउट नहीं। इसी तरह के प्लेटफॉर्म की वैक्सीन लगभग 20-25 वैक्सीन हम बच्चों को हर साल लगाते हैं,
जिसमें जब बच्चा पैदा होता है बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, रोटा वायरस, ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है, एमएमआर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, टाइफॉइड, फ्लू, इतनी सारी वैक्सीन बच्चों को ऑलरेडी लग रही है। ये उसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, उसी वैक्सीनेशन कार्ड का जो बच्चों का माता पिता के पास होता ही है, उसका एक हिस्सा और बन जाएगा, एक और वैक्सीन में एड हो जाएगा। इसके और कोई बड़ी बात नहीं है जी। डॉक्टर साहब, मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम वैक्सीन और बच्चों की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, बहुत से देशों में इस पर ट्रायल हो रहा था और ज्यादातर 12 साल से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल हो रहा था, तो कौन कौन से देश हैं, कहां कहां बच्चों के वैक्सीन को लेकर अप्रूवल्स हुए हैं, जहां बच्चों को वैक्सीन लग रही है या फिर 12 से 18 साल के एज ग्रुप में लग रही है? बिल्कुल सुचिता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी तक जो वैक्सीन अप्रूव हुई है, चाहे वो एफडीए, उसने मॉडर्ना और फाइजर दो वैक्सीन को अप्रूव किया है बच्चों के लिए, वो भी सिर्फ 12 साल से प्लस बच्चों के लिए। Exactly. अभी किसी भी देश में 12 साल से कम बच्चे के वैक्सीन पे अप्रूवल नहीं मिला। हाँ, ट्रायल डेफिनेटली चल रहे हैं, चाइना में चल रहे हैं और जर्मनी में चल रहे हैं, यूएस में चल रहे हैं, यूरोप में चल रहे हैं, कई सारे देशों में चल रहे हैं, बट अभी तक वो बहुत इनिशियल स्टेज में। भारत ने इसमें बड़ी प्राथमिकता दी अपने बच्चों को, ट्रायल्स में जल्दी से ट्रायल स्टार्ट किए, हम लोगों ने बड़ा सैंपल साइज लिया, डिफरेंट लोकेशन पे ट्रायल्स किए और हमने जो सैंपल था उसमें एज ग्रुप था वो 2 साल तक गया, क्योंकि हमें पता था जो हमने कोवैक्सीन हम डेवलप कर रहे थे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ी सेफ थी, बिकॉज ये किल्ड वायरस है या इनएक्टिवेटेड वायरस है, ये बच्चों के अंदर जाके या बड़ों के अंदर जाके बीमारी को पैदा नहीं कर सकता है। और इसी टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी बहुत सारी वैक्सीन बनी हुई है, चाहे वो डीपीटी हो, इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन है जो किल्ड वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस ए हो, टाइफाइड हो, ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है ऑलरेडी हमने इसी टेक्नोलॉजी पे डेवलप कर चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं एक बार आपसे ये पूछ रही हूं, क्योंकि अभी तक हमारे देश में 2 से 12 साल के बच्चों पर भी ट्रायल हुआ है और ये कोवैक्सीन का अप्रूवल उन बच्चों के लिए भी है, यानी कि 2 साल से ऊपर के बच्चों को कोवैक्सीन लग सकती है, इसको अप्रूव कर दिया है डीसीजीआई ने, लेकिन बाहर के देशों में अभी तक 12 साल के बच्चों के ऊपर ही लग रही, यानी मैं कहूं इसे एक तरह का ये माइलस्टोन है जो भारत हासिल कर रहा है कि 2 साल से ऊपर के बच्चों को अब कोवैक्सीन लग सकती है और ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है हमारे लिए। बिल्कुल, ये विश्व के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक देश बना हुआ है, हमारी विजन बहुत बड़ी है, हम लोग वैक्सीनेशन में एक लीडरशिप क्रिएट कर चुके हैं और इतनी बड़ी न्यूज है, पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करने में टाइम जरूर लगेगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस उठाएंगे, क्वेरीज उठाएंगे, बट हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमारे देश की जनता को डरना नहीं चाहिए, हमें अपने सब बच्चों को वैक्सीन आगे आके लगवानी चाहिए, सो देट हम प्रूव करके दिखा सकें कि हमने इतने कम टाइम में जैसे 95 करोड़ एडल्ट को लगाएंगे, ऐसे अगले 3-4 महीने में 20-25 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लग जानी चाहिए, सो दैट एक वहां पर और डाटा आ जाएगा देश दुनिया को प्रूव करने के लिए कि हमने एक इतना बड़ा माइलस्टोन क्रिएट कर दिया था, जिसके लिए पूरे देश 220 देश दुनिया के परेशान हो रहे थे किस तरह से हम बच्चों को अपने प्रोटेक्ट करें, वो हमने करके दिखा दिया है। या अब ये मुझे लगता है डॉक्टर साहब, ये सब लोग जानना चाहेंगे कि अब वैक्सीन कब से मार्केट में आएगी, कब से लोगों को लगनी शुरू होगी, क्योंकि अभी अप्रूवल हुआ है, अब बच्चों की वैक्सीन बाजार में आएगी या फिर अस्पतालों में जैसे सरकार ने बड़ों की वैक्सीन के साथ किया उसी तरह से हर तरह के हर तबके के लोगों को आसानी से लग पाए, इसे लेकर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। बिल्कुल सुचिता, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक बड़ी खुशी की तरह देख रहे थे इस न्यूज को, बट जैसे जाइडस कोव डी को वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है 1 महीने से ज्यादा हो गया, बट अभी तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है। ऐसे ही जब हम लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इनिशियली हमने वैक्सीन को अप्रूवल मिला था तो वैक्सीन आई थी, बट शॉर्टेज ऑफ सप्लाई थी, वैक्सीन कम मिल रही थी, सप्लाई ठीक थी, लेकिन अब जो है इस समय ऑलरेडी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो काफी बढ़ा दी गई, खास करके कोवैक्सीन की, बिकॉज हम कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता काफी बढ़ गई है, बट स्टिल अभी कई सारे प्रोसेस होते हैं अप्रूवल्स में, फाइनल अप्रूवल्स में, उसके बाद वैक्सीन को जो जो कंपनी है वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्लस बच्चों की डोज जो होगी, हो सकता है अभी हम जो बात कर रहे हैं प्री फिल्ड सिरिंज में दी जाएगी, हो सकता है मल्टी डोज नहीं होगी, जैसे हम लोग अभी एडल्ट में लगा रहे थे 28 डेज पे लगाएंगे या 20 डेज पे लगाएंगे, इस पे भी गाइडलाइंस बाकी है, आना एसओपी आना बाकी है, कहां का लगाई जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो भारत बायोटेक का जो डेटा है जिसे अप्रूवल मिला है जो वैक्सीन को, उसमें कहा जा रहा है पहली और दूसरी डोज के बीच 20 दिन का गैप होना चाहिए, यानी पहली डोज बच्चों को लगे फिर 20 दिन बाद दूसरी डोज लगे, ऐसा नॉर्मली अभी तक जितने वैक्सीन लगा रहे थे बच्चों में भी 28 डेज के अंतर पे लगाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसको भी हम 28 डेज के अंतर पे लगाएंगे, 4 वीक के अंतर पे लगाएंगे। अच्छा। और 4 to 8 वीक्स तक लगा सकते हैं, अगर कोई छूट जाता है 4 वीक पे नहीं लग पाती है तो 8 वीक तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो कैचअप इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो अभी समय लगेगा थोड़ा वैक्सीन आने में, कम से कम 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं वैक्सीन को मार्केट में, बट मैं सरकार से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि
प्लीज कृपया करके जल्द से जल्द वैक्सीन को हमें लाना चाहिए मार्केट में, क्योंकि हमें इस समय एक खतरा मंडरा रहा है, वो है थर्ड वेव। अभी तक उसका खतरा पूरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता है बच्चे हमारे अभी भी प्रोटेक्टेड नहीं है, वो हाई रिस्क है, वल्नरेबल है, उनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो जितनी जल्दी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी उतनी जल्दी हम बच्चों को वैक्सीन लगा पाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी को जल्दी अचीव कर पाएंगे। आपने डॉक्टर साहब ये जो ट्रायल्स चल रहे थे बच्चों को के ऊपर वैक्सीन को लेकर ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत से और देशों में भी ये ट्रायल्स चल रहे हैं, अब भारत ने जिस तरह से ये ट्रायल्स पूरे किए हैं और हम 2 साल से ऊपर के बच्चों को लगा सकते हैं, मुझे लगता है कि ये एक तरह से मेडिकल साइंस के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, और हमारे देश में मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने अपनी रिसर्च को इस तरह से स्थापित कर लिया है कि हम 2 साल से ऊपर के बच्चों को लगा पा रहे। ये शायद वो तकनीक है जो हम बाहर के देशों को भी दे सकते हैं। बिल्कुल, बाहर के देशों को तकनीक भी दे सकते हैं, बाहर के देशों को वैक्सीन भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया है ऑलरेडी हम लोग 130 या 125 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया, वैक्सीन प्रोडक्शन में हम बात करें। हम लोग हर साल 4.5 करोड़ वैक्सीन लगाते हैं अपने बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को। तो हम लोग ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मैं कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, बट ये जो नया माइलस्टोन है ये सच में ही बड़ी खुशी की बात है, पूरे विश्व के लिए खुशी की बात है कि भारतवर्ष जो है उन सबके लिए एक मार्गदर्शक की तरह आया है और हम कहीं ना कहीं इस कोविड पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, खास करके बच्चों में 2 साल से 18 साल के बीच में कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और शायद अभी नहीं पर कुछ समय में देखिएगा, चाहे वो WHO हो, चाहे FDA हो, चाहे यूरोपियन एजेंसी, जो सब हम लोगों का लोहा मानेंगे पक्का बता रहे हैं। अभी वो लोग क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे आपने देखा था स्पुतनिक को जब रशिया ने लॉन्च किया था तो कितने लोगों ने कितनी सारी कोरेज उठाई थी, बाद में वो शायद फर्स्ट वैक्सीन बन गई थी जिसको उन्होंने लोकल अप्रूवल दिया था। Absolutely, तो वही हमारे कोवैक्सीन को किया था। मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमने एक वैक्सीन लगाई अपने देश में, लोगों को लगाई। जो बात प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि अगर इतने बड़े देश में वैक्सीन हम खुद नहीं बनाते तो कहां तक पहुंचती अभी तक वैक्सीन लोगों तक, अब बच्चों तक भी पहुंच गई है, बच्चों पर लगने की शुरुआत बहुत जल्द होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता हमसे बात करने के लिए।